आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भारत जोड़ो यात्रा फिर विवादों में, केरल में वीर सावरकर के पोस्टर को गांधी की तस्वीरों से ढका। स्पाइस जेट की उड़ानों पर डीजीसीए की रोक, 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी रोक। सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को दी मंजूरी। आम आदमी पार्टी ने बलजिंदर कौर को बनाया दिल्ली का विधानसभा का चीफ। कांग्रेस ने केरल के राज्यपाल व माकपा सरकार पर उठाए सवाल का, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन नविदा संविदा कर्मी विगत कई वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। आज राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत संविदा कर्मियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया और कई सालों से अपनी मांगों को पूरा होने का भी भरोसा जताया। देखिए प्राइम टीवी की ये खास पेशकश, जिसमें महिलाओं से लेकर युवा अपनी बात आप बीती बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा निविदा के कर्मी हमारे साथ हैं, जो कि अपने शांतिपूर्वक ढंग से शासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर तमाम लोग हैं जो कि आज यहां पर एकत्र हुए, इनसे ही बात करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका और क्या पद है? मेरा अरुण कुमार यादव नाम है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ। हमें लगभग 15 से 20 वर्ष हो गए हैं, यहाँ जितने लोग हैं सभी सीनियर मोस्ट लोग हैं, 15 से 20 का है, या मैं तो ये कह रहा हूँ कि 25 वर्ष के लोग भी यहाँ कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि हम आज इस स्थिति में नहीं है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए, क्योंकि लगातार इतने वर्षों से कार्य करने के उपरांत भी आज वेतन की जो स्थिति है हमारी, समझ लीजिए कि ना के बराबर है। वृद्धि के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा, पिछले विगत 4 वर्षों से 1 रुपये की बढ़ोतरी भी नहीं हुई है, जबकि आप देखेंगे कि महंगाई किस स्तर पर जा रही है। अच्छा, ये बताइए, जो संविदा कर्मी थे जो पहले कोई और कंपनी संभालती थी, अब कोई और कंपनी संभाल रही है, तो क्या कुछ अंतराल इसमें दिखता है कि आप लोग को क्या समस्याएं कुछ ज़्यादा ही उत्पन्न हो रही है या पहले समस्या नहीं थी? क्या नहीं, पहले भी समस्याएं थी, लेकिन इतनी मतलब कि इतने बड़े रूप में नहीं थी, क्योंकि कंपनियाँ लगातार बदलती रही हैं लेकिन कर्मचारी वही हैं। पहले पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे थे, पूर्व सैनिक कल्याण निगम का टेंडर यहाँ से ख़त्म हो गया, उसके उपरांत जो है जीम वेंचर्स कंपनी आई, उसके बाद M4 सॉल्यूशन का वर्तमान में टेंडर चल रहा है। सैनिक कल्याण निगम की जब यहाँ पे टेंडर चल रहा था, कहाँ कहाँ के दरवाजे खटखटाए हैं आपने? लगभग हमने सभी दरवाजे खटखटाए हैं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में भी हम गए हैं और माननीय मुख्य सचिव महोदय तक भी अपनी बात पहुंचाई, माननीय ऊर्जा मंत्री तक। कितने समय से ये संघर्ष आप लोगों का चल रहा है और अब तक सुनवाई नहीं हुई, क्या लगता है कि ये सुनवाई आगे हो सकती है? उम्मीद तो हमें है, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, बेहतर है, उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है गृहस्थी जीवन में, इनसे ही बात करेंगे। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आशा सिंह है, श्रीमती आशा सिंह। हम लोग सभी लोग 20-21 साल से शक्ति भवन में कार्यरत हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे कार्यरत हैं, लेकिन हम लोग की इतने सालों से वेतन वृद्धि बढ़ती नहीं है और हम लोग की दिन पे दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हम लोग पहले भूतपूर्व सैनिक निगम से थे, अब हम लोग की कंपनियां चेंज होती जा रही हैं। कंपनियां चेंज होने के बावजूद हम लोग की EPF में भी कुछ घोटाला होता है और हम लोग का मतलब यह है ना, मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती है। इसकी शिकायत कभी किसी आप लोगों ने उच्च अधिकारी से की? हाँ, उच्च अधिकारियों से भी बोले लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है इस बात पे।
मैटरनिटी लीव तो बहुत बहुत विकट समस्या है कि कई लड़कियां महिलाएं मतलब इस सिचुएशन में आई हैं, बच्चे छोटे छोटे बहुत छोटे, अरे 2-3 महीने की भी मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है हम लोग को। बताइए, हम लोग 1 महीने का 1.5 महीने का बच्चा छोड़ के आती हैं महिलाएं। मेरा नाम पूनम है। क्या मुख्य समस्या है, क्या आ रही है? समस्या ये है, मैं विगत 15-20 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन यहाँ की क्या दिक्कत है कि अगर आप वेतन वृद्धि की बात करते हैं तो आपको सीधे निकाल दिया जाता है या फिर निकालने की धमकी दे करके शांत करा दिया जाता है। ये निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये कार्मिक निदेशक कार्मिक प्रबंधन की ये सब होती है। ये क्या मनमानी चलती है? हाँ, मौखिक स्तर पर बिल्कुल, वो सिर्फ आपको एक फ़ोन कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप कल से नहीं आएंगे। अब ये बताइए, गत 15-20 वर्षों से जो इंसान यहाँ कार्य कर रहा है उसका पूरा परिवार उसी पर आश्रित है, अगर वो कल से नहीं आएगा तो क्या कमाएगा, अपने छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पालेगा, किस तरह से कार्य करेगा? और महिलाओं के साथ तो और भी ज़्यादा समस्याएं चल रही है इस समय। मैम, मैटरनिटी लीव की बात हुई है और इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे भी जुड़वा बच्चे हुए थे लेकिन 1 महीने की भी हम लोग को छुट्टी नहीं मिली। मुझे 25-26 दिन में अपने बच्चों को छोड़ करके आना पड़ा। कोई भी वो नहीं, अगर कोई अधिकारी अच्छा होता है तो वो लोग विदाउट लीव पे में हमको 1-2 महीने की दे देता है, तो जिससे हम लोग को अपने बच्चे बिल्कुल छोड़ के आने पड़ते हैं या बहुत विगम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो बहुत कष्टदायी होता है एक माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो शासन प्रशासन तक इसकी बात आप लोगों ने पहुँचाई कभी? बिल्कुल, हम लोगों ने कई जनता दरबार में, मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तब भी, जब भाजपा की सरकार आई तब भी, हम लोग हर बार जाकर के जनता दरबार में अपना। कब से चला आ रहा है मुलायम सिंह की सरकार के समय? बिल्कुल, ये बहुत सही है, हम 15-20 साल से हम लगातार हम लोग हर दरबार में जाके अपने देते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं आता है, बंद बस्ते में चला जाता है, कोई उसमें कार्रवाई नहीं होती है। जैसा कि सुना आपने कि सरकारें बदली लेकिन इनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई, कुछ और भी लोग हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका, ये बताइए? चंदन कुमार सर। क्या समस्या है जो इसमें आप लोग एकत्र हुए हैं यहाँ पर? सर, समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारी ना कोई सैलरी में वृद्धि हो पा रही है और जिससे हम लोग का कोई भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। आज के समय में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है और परमानेंट स्टाफ का क्या? ये बताइए, मांगे अगर पूरी नहीं होती तो फिर अगला ऑप्शन क्या होगा आप लोग का? सर, अगला जैसा हमारे सब भाई बंधु लोग सर जैसा हमारे साथ बताएंगे हम वैसा कार्य करेंगे। चलिए, एक और भाई इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, संविदा कर्मी हैं, विगत कई सालों से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और समस्याएं हर किसी को है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे नौजवान हों, चाहे युवक हों। क्या समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं बताइएगा और ये बताइएगा कि समस्याएं अगर दूर नहीं हुई तो अगला स्टेप क्या होगा आपके संगठन के? हम लोगों को प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी आशाएँ थी, किंतु बड़े खेद का विषय है कि पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के द्वारा उच्च प्रबंधन को गलत तथ्यों के साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है, वास्तविकता से उनको गुमराह किया जा रहा है, जिस कारण से प्रदेश के और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यालय इकाई के सभी संविदा कर्मी प्रभावित हो रहे हैं। ये समस्या खत्म नहीं होती तो क्या ये आप लोग फिर हर हफ्ते ऐसे ही आते रहेंगे? जी, इसका हम लोग अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम लोग का अगला स्टेप ये होगा कि जहाँ पर हम लोग की रोजी रोटी है वहीं पर आमरण अनशन करने के अलावा और हम लोग के पास कोई चारा नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, ये थे और भी लोग हैं तमाम, इनसे भी बात कर लेते हैं, एक बार और इनसे बात करेंगे। जी बताइए। एक सबसे बड़ी जटिल समस्या इस समय वर्तमान में ये चल रही है कि जो विगत कई वर्षों से कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मी जो शक्ति भवन में कार्य कर रहे हैं उनको मौखिक आदेशों के तहत जबरन निकाल दिया जा रहा है बिना किसी कारण के। सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने ये है कि हम अपनी नौकरी को कैसे बचाएं, यदि नौकरी नहीं बचती है तो हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि कब किसको कह दिया जाए कि आप फलानी तारीख से मत आइएगा, ये कोई तय नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ जो वेतन वृद्धि का मामला है, मेरे पास कुछ विभागों के वेतन से संबंधित आदेश हैं, ठीक है, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सैलरी निर्धारित हो रही है इस प्रदेश में अन्य विभागों में 22,000 से कम किसी कहीं पे भी सैलरी नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इस पावर कॉरपोरेशन में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी है वो 12,385 रुपये है, जो बहुत ही मतलब कि कम है। इतनी कम सैलरी में परिवार का भरण पोषण और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाना बहुत ही मुश्किल है।
चलिए ठीक है, जैसा कि देखा आपने सुना यहाँ पर जो संविदा कर्मी थे इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, चाहे वेतन वृद्धि हो चाहे मैटरनिटी लीव हो, इन सभी समस्याओं को लेकर आज ये यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से बैठे थे और इनकी एक उम्मीद है कि इनकी जो बातें हैं वो शासन प्रशासन तक जल्द से जल्द पहुँचे। कैमरामैन दीपक के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर गोरखपुर से, जहाँ रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के पोस्ट बड़गो सिदोली बेंदोली में गाँव में बरसात के पानी को निकालने के लिए पिकअप से पंपिंग सेट लेने गए तो वहीं ग्रामीण रास्ते में हादसे का शिकार हो गए, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई व अन्य जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि मृतकों के शव को फ्रीजर में न रखने पर चूहों ने शव को कुतर डाला, साथ ही जिला अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा। सीएमओ गोरखपुर ने मामले को संज्ञान में लेकर एडिशनल सीएमओ के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां नगर आयुक्त अमित असेरी ने पदभार ग्रहण कर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि शहर का चयन स्मार्ट सिटी में हुआ है, जिसके चलते स्मार्ट सिटी का काम पूरा शहर को जल्द ही नया रूप दिया जाएगा। साथ ही नगर निगम शहर को जल भराव से निजात दिलाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। वहीं शहरवासियों से अपील करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि सभी लोग कूड़ेदान में ही डालने का निर्देश दें। सबसे पहले तो प्राथमिकता यही है कि हम बारिश के सीजन में हम यहाँ ज्वाइन किए हैं और पहली चीज़ जो नज़र में आई है वो सड़कों पे थोड़ा जल भराव की स्थिति दिखी है। इसमें मॉर्निंग में हम लोगों ने बहुत इंस्पेक्शन भी किया और चीज़ों को कुछ कुछ समझने की कोशिश की, तो प्राथमिकता हमारी आज के दिन तो यही जल भराव से किस तरीके से जल्दी निजात दिलाई जाए लोगों को। और इसमें थोड़ा सा पब्लिक का भी हमें सहयोग चाहिए होगा कि जो कूड़ा वगैरह है वो हमें ड्रेन्स में जो नज़र आ रहा है अगर ना डाला जाए, लोग उस पर ध्यान रखें तो जल्दी से जल्दी पानी में निकालने में नगर निगम सक्षम होगा। लखीमपुर के निगासन में दो सगी बहनों से दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव पेड़ से लटकाए जाने का मामला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पुलिस रिमांड के साथ लिया है। साथ ही घटनास्थल पर आरोपियों को लेकर SIT पहुंची, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। खबर अलीगढ़ से, जहां तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा है। साथ ही घटना की सूचना पर परिवार वालों में कोहराम का माहौल है। पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जाँच के आदेश दिए हैं। जी, मेरे चाचा जी बाजार आए थे छर्रा। क्या नाम है आपके चाचा जी का? श्यामवीर सिंह। अच्छा, और वो किसी किसी काम से बाजार आए थे। तीन लोग थे वैसे, एक कन्हैया नाम था एक का, एक कंचन सिंह नाम था एक का, और जो मेरे चाचा जी थे वो मतलब वहाँ पर रामपुर से थोड़ी उलंग साइड पुल के पास, तो वहाँ पर। खबर बंदायू से, जहाँ झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते प्रसूति महिला के नवजात की मौत हो गई है। वहीं आरोप डॉक्टर मौके से फरार चल रहा है। बता दें कि पीड़ित पक्ष के साथी ने आरोपी डॉक्टर से मिलने की कोशिश की तो उसको अस्पताल प्रशासन ने मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए पूरे प्रकरण की जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां भारी बारिश के चलते किसानों ने खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही किसानों की सरकार से मांग है कि सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। यहीं हाल कुछ नवीन मंडी के क्रय केंद्र संचालकों ने बारिश होने पर त्रिपाल डालकर अनाज को भीगने से बचाया। जो बेमौसम बरसात हुई है, अब देख रहे हैं इस फसल को, इसमें दूध भी नहीं बना था और दूध नहीं बना था तो अब इसमें पानी देखो, इसमें पानी ऊपर पड़ रहा है, बिल्कुल फसल बर्बाद हो गई है। अब तक फसल को ट्रॉली से इंजन से लगभग 180 रुपये घंटे पानी मिला था, उससे फसल को पाल के लेकर आए और अब ये हाल हो गया। अब इससे किसान बिल्कुल आत्महत्या की स्थिति में आ गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, सरकार इसका आंकलन करे।
खबर फरीदाबाद से, जहां फरीदाबाद के गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में लिंग जांच मामले में डॉक्टर व एक महिला को गिरफ्तार किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इन दिनों लिंग जांच भ्रूण हत्या के मामले में सख्ती बरत रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली ग्राहक से 28,000 रुपये का सौदा तय किया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी आरोपियों को सबूत के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुप्त सूचना के अनुसार सिविल सर्जन जो गुड़गांव के थे उनको एक सूचना मिली थी कि फरीदाबाद में कुछ टाउट जो है वो सक्रिय है इस लिंग जांच को लेकर, और वो फरीदाबाद से और गुड़गांव से गर्भवती महिलाओं को लेकर यूपी वगैरह में धनकौर की तरफ या नोएडा की तरफ खूब सारे लिंग जांच करवाते हैं और उसके बाद उनका गर्भपात करवाते हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए एक ज्वाइंट टीम गुड़गांव सिविल सर्जन साहब और हमारे फरीदाबाद के सिविल सर्जन साहब ने बनाई और ज्वाइंट रेड करने की वो घोषणा की। हरदोई के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हमारी प्राथमिकता जनपद के विकास व निर्माण कार्यों को गति देना है, साथ ही नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे निचले पायदान पर जीवन यापन करने वालों को सरकार की योजनाएं बता समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करने का है। इसके अलावा प्रयास ये रहेगा कि हमारे जनपद में जो हमारे किसान लोग हैं, हमारे अन्य जनपद भी लोग हैं, हमारे जनपद भी हैं, उनके सहयोग से बेहतर वातावरण पैदा हो और जो दैनंदिन की लोगों की समस्याएं हैं, जनहित से जुड़ी समस्याएं, उनका निस्तारण। लखीमपुर में गोरारा कोतवाली क्षेत्र में फार्मा कंपनी के लूट हुई, जिसके बाद लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही लूट में 41,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। वहीं अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर सुल्तानपुर से, जहां लखनऊ जोन के एडीजी ने सुल्तानपुर पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण कर पुलिस लाइन का जायजा लिया है। वहीं उन्होंने निर्माणाधीन बिल्डिंग्स, मेस बैरक, शस्त्रागार सही तमाम स्थलों का निरीक्षण किया। त्यौहार की श्रृंखला शुरू होने जा रही है 26 तारीख से, नवरात्रे हैं, दशहरा है, बरसात है, उसके बाद दिवाली का त्यौहार भी आएगा। सुल्तानपुर में नवरात्रि का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे मेरी जानकारी में आया है। काफ़ी प्रतिमाओं की स्थापना भी होती है, काफ़ी जुलूस निकलते हैं। उसकी समीक्षा मुझे करनी थी तो मैंने कहा है कि जितने भी समितियाँ हैं जो आयोजन करती हैं, उन सबसे हमारा संवाद होना चाहिए, परिसर का हमारा भ्रमण हो जाए, जन सहयोग हम प्राप्त करें, कहाँ विसर्जन होना है, वहाँ क्या व्यवस्थाएं करनी है, रातों में क्या व्यवस्थाएं करनी है, पुलिस के समुचित बंदोबस्त हों, इससे सारे त्यौहार हर्षोल्लास से। खबर औरैया जिले के फफूंद कस्बे से है, जहाँ बकायदा बिजली बिलों को वसूलने के लिए बिजली विभाग के एसडीओ जेई लाइनमैन पर कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया है, जिसके बाद एसडीओ और जेई मौके से बाहर निकल गए हैं, लेकिन लाइनमैन को लोगों ने पकड़ लिया है। इसके बाद लाइनमैन के साथ जमकर मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अरे सर, बकाए में कनेक्शन काटने के लिए पूरी टीम यही साहब सब लोग गए थे साहब, कनेक्शन काटने के वे लोग मना कर रहे थे, लेकिन कनेक्शन काट दिया गया, इसीलिए उन लोगों ने फिर वहाँ गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज से फिर मैंने कहा वहाँ चलो चलो, फिर हम छल्दा चौराहे पे आ गए, फिर वहाँ वे लोग मारने के लिए आ गए सारे लोग दबंग। कितने लोग थे? वो ही 8-9 थे साहब। मारपीट की? हाँ। किसी ने बीच बचाव नहीं किया? किसी एक मिले हसन भैया आते, वे ही बीच बचाव कर रहे थे। खबर हरदोई से, जहां विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में जिलाधिकारी एमपी सिंह ने अध्यक्षता में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की है। इस बैठक में डीएम ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से जनता की समस्याओं को सुने, किसी भी प्राइवेट कर्मचारी को कार्यालय में न रखें तथा जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय से जवाब दें और त्वरित आवश्यक कार्रवाई करें। औरैया जिले में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इतना ही नहीं, तेज बारिश के साथ हवाओं के चलते के कारण शहर कोतवाली क्षेत्र में 50 सैया अस्पताल रोड पर पेड़ टूटकर गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया है, जिसके बाद पेड़ के गिरने से जलभराव के कारण
गाड़ियां गड्ढे में फंस गई हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से पेड़ को हटवाया। आज सुबह 5:30 बजे के करीब से बारिश हो रही है। बारिश पूरे दिन हुई है, करीब शाम के 6 बजे के करीब समाप्त हुई है बारिश। इसकी वजह से बाजार पूरी तौर से बंद हो गया, आवागमन भी प्रभावित हुआ, रोड खाली बनी रही। खबर हरदोई से, जहां जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आबकारी निरीक्षक को एक बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान के दौरान आबकारी विभाग ने थाना लोनार के सवायपुर गजरपुरवा में दबिश की कार्रवाई की है। दबिश के दौरान लगभग 292 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है एवं लगभग 600 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट करते हुए आबकारी अधिनियम की धाराओं में 15 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। सीतापुर में जहां प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई बेहटा में जनपद के पार्षदी स्कूल में, आपको बता दें कि बीआरसी पर खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह के अनुपस्थिति रहने के कारण चलते नियमित विनय दीक्षित और सुनील तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन के माध्यम से शिक्षक संघ ने मांग की है, जिसमें बताया जा रहा है कि वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो सके। आज ज्ञापन जो है पदोन्नति के संबंध में दिया गया है, क्योंकि शिक्षकों के अभी भी पदोन्नति कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी पदोन्नति नहीं हुई है। हमारे कई अध्यापक जो है अभी भी इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जबकि उनको वेतन सहायक अध्यापक का मिलता है, कार्य उनके ऊपर वो कर रहे हैं प्रधानाध्यापक का और उसके ऊपर विभाग का सरकार का काफ़ी दबाव रहता है कि जो है आप कार्य करिए अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके बावजूद भी पदोन्नति नहीं हो रही है। मामला यूपी के सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र का है, जहां तंबौर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद में बीती 8 तारीख को श्रीराम नामक व्यक्ति की अज्ञात कारणों से मौत हो गई थी। मामले में मृतक की पत्नी व बेटे ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि समय बीतने के साथ पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। बारह बजे बाद दोपहर से मतलब गायब रहे हम लोग, जानते हैं तक हाँ गाते थे कीर्तन उतर, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए, वो लापता थे, हम लोग निडर अपना काम कर रहे थे तो साहब वो पता नहीं घूमने गए थे और वहाँ शाम को सूचना मिली कि आपका भाई वहाँ बेहोश पड़ा है, किसी ने फ़ोन किया, हम लोग नहीं जान पाए। तो जब वो सूचना पा के जब हम लोग गए तो हमारा वो भतीजा था तो वो दुखिया गवा तो उनका उठाए कहीं लावा कैसो, अगर वो तुरंत तत्काल बतलती तो हम लोग उनके इलाज के लिए। खबर गोंडा से, जहां बाढ़ के पानी से हजारों घर जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते वहां लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क कटकर पानी में समा गई है, साथ ही लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी बालू के जरिए सड़क को कटान को रोकने का प्रयास कर में नजर आए। बता दें कि सरकार पर बाढ़ग्रस्त इलाकों के बचाव के सिवाय और कोई ठोस कदम उठाते नहीं दिख रहे हैं। मैनपुरी के करल थाना क्षेत्र में एक युवक का सैफई बाईपास के पास शव मिला। आपको बता दें कि चलते हैं कि पुलिस को सूचना मिलने पर गंभीरा गांव के पास एक्सप्रेसवे के अंडरपास सर्विस रोड पर एक घटना में शामिल अभियुक्त कहीं जाने की फिराक में थे। वहीं पुलिस तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति पकड़े गए, एक अंकित उर्फ शिवम दुबे और दूसरा गोलू उर्फ सुशील। ये इसके अलावा इस घटना में 2 लोग और शामिल थे, सुमित और हरगोविंद। इनके द्वारा अंकित और गोलू के द्वारा बताया गया कि ये शकील उनको मारना चाहता था और इस बात की उनको जानकारी हो गई थी, इसीलिए इन्होंने गोलू के साथ और अपने भाइयों के साथ मिल करके इसकी हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए इसके चेहरे आदि पे प्रहार करके
पुलिया के नीचे फेंक दिया था। बाद में उसमें जानवर भी उसको नोच खाए थे, जिसलिए उसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। कपड़ों पे और शरीर पे अन्य निशान से और अन्य लोगों से पूछताछ पे इसकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त के बाद ये अभियुक्त प्रकाश में आए और इनकी गिरफ्तारी की गई। शेष बचे अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।